दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है। इसके पहले मुकाबले में श्रीलंका की टीम को भारतीय टीम ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर हराकर रख दिया और दूसरे मुकाबले की तैयारी में भारतीय टीम लग गई और भारतीय टीम दूसरे मुकाबले में भी ऐसा ही प्रदर्शन करना चाहेगी। और पहला मुकाबला खत्म होने के बाद सौरव गांगुली ने दूसरे मुकाबले की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं सौरव गांगुली ने अपनी प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है और उनका नाम सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले भारत की टीम के सबसे बेहतरीन टेस्ट प्लेयर कौन है, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में मोहाली के स्टेडियम में रोहित शर्मा की कप्तानी में 222 रनों की और पारी के साथ मुकाबले को जीत लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से मैन ऑफ द मैच रविंद्र जडेजा रहे, जिन्होंने बल्लेबाजी में खतरनाक 175 रन की पारी खेली। तो वहीं गेंदबाजी में उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट तो वहीं दूसरी पारी में 4 विकेट लेकर कुल 9 विकेट हासिल किए और इस मुकाबले में 150 रन से ज्यादा और 9 विकेट हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी विश्व के रविंद्र जडेजा बने हैं। तो वहीं दूसरे मुकाबले की तैयारी भारतीय टीम करने में लगी हुई है और श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने के इरादे से भारतीय टीम उतरेगी, जिसमें सौरव गांगुली ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ही उतर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों ने पहले टेस्ट मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और भारत को एक बेहतरीन और तेज तर्रार शुरुआत दी, जिससे भारतीय टीम बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच गई। हालांकि दोनों खिलाड़ियों में से किसी ने अर्धशतक नहीं लगाया, लेकिन दूसरे मुकाबले में अर्धशतक या शतक लगाने के बारे में दोनों खिलाड़ी सोचेंगे तो वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाज करने के लिए हनुमा विहारी ही उतरेंगे, जो भारतीय टीम में चेतेश्वर पुजारा की परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन गए हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार अर्धशतक जड़ा था। और चौथे नंबर पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली अपना 101वां मुकाबला खेलने के लिए उतरेंगे। इस मुकाबले में विराट कोहली ने शतक का इंतजार रहेगा और इसके अलावा मध्य क्रम में भारतीय टीम बदलाव कर सकती है, जिसमें श्रेयस अय्यर को इस मुकाबले में बाहर बैठा कर शुभमन गिल को मौका दे सकती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में दो ही मुकाबले के रूप में ऋषभ पंत खेलेंगे, जो पिछले मुकाबले में शतक लगाने से चूक गए लेकिन इस मुकाबले में शतक लगाना चाहेंगे। और इसके अलावा ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय टीम की तरफ से रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ही खेलते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया है। और इसके अलावा भारतीय टीम में गेंदबाजों के तौर पर जसप्रीत बुमराह तो टीम का हिस्सा रहेंगे ही, साथ में मोहम्मद शमी की जगह उमेश यादव को खिलाया जा सकता है और जयंत यादव की जगह मोहम्मद सिराज को आखिरी मुकाबले में मौका दिया जा सकता है। और ऐसी प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले में खेलने के लिए उतर सकती है। दोस्तों आपके हिसाब से दूसरे टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 क्या होगी, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।